जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए एक दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी पुंछ के सुरनकोट इलाके में पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। श्रीनगर के शालटेंग इलाके में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत गठबंधन ने मोदी के आत्मविश्वास को हिला दिया है और उनकी मानसिकता को तोड़ दिया है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे मन की बात में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन काम की बात भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी की मन की बात कोई नहीं सुनता। भाजपा बेरोजगारी को दूर करने और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रही है। बेरोजगारी पूरे देश में फैल गई है, यही हाल जम्मू कश्मीर का भी है। जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया, आपसे अधिकार छीन लिया गया और अब बाहरी लोग आपकी ओर से फैसले ले रहे हैं। राहुल ने कहा कि कई बार यूटी को राज्य में बदला गया है लेकिन पहली बार किसी राज्य को यूटी में बदला गया है। उनकी पहली मांग राज्य का दर्जा दिलाना है। वे उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डालेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। राहुल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अलावा वे हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे और हर परिवार को 11 किलो चावल देंगे। राहुल ने कहा, भारत गठबंधन ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से खत्म कर दिया है, हमने यह प्यार से किया है। पीएम 56 इंच के सीने से बात करते थे और अब उन्हें वही करना पड़ रहा है जो विपक्ष चाहता है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें लोकसभा में बहुत करीब से देखता हूं जबकि लोग उन्हें टीवी पर देखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई है और यह भारत गठबंधन मुमकिन हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शासकों के रूप में बाहरी लोगों को आम लोगों की इच्छाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा हैं जो यहां के लोगों की इच्छा के खिलाफ शासन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास की जरूरत है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जहां भी एनसी उम्मीदवार हैं, मैं चाहता हूं कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें वोट दे और जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, एनसी कार्यकर्ता उन्हें वोट दें। राहुल गांधी को सुनने के लिए आज हजारों लोग शालटेंग में एकत्र हुए थे। लोगों ने कहा कि हमें विश्वास है कि राहुल भविष्य हैं और बदलाव ला सकते हैं और हमारे मुद्दों को हल करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं और हमारा वोट जो हमारी शक्ति है बदलाव लाएगा। अब मैं हमारे अलायंस के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आके हमारे साथी शाहनवाजी के लिए, कांग्रेस के लिए, एनसी के लिए आशीर्वाद दे। आने वाले भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी यहाँ पे गठबंधन के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और आपके उम्मीदवार जो यहाँ पे खड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है, उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उनने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके, उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बात मैं आपसे कहूँ, कई लोगों ने ये फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। जो ये खुद कहता है वजीर आजम
कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर दो गायें होंगी या भैंसें होंगी एक मुसलमान को दी जाएगी, अगर दो घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी हैं। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियाँ साहब नहीं आए, मियाँ साहब उनके साथ हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी है। मियाँ साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इसे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अक्रम साहब से फिर से कहता हूँ, ये नफरत मत फैलाओ। इस नफरत से हमें बहुत ख़त्म किया और इस नफरत को ख़त्म करना है तो मिल के हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को ख़त्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं राहुल आपकी इस बात पे एक और चीज़ शामिल करना चाहता हूँ। हम जम्मू कश्मीर के आवाम नफरत की गाड़ी को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा अमल है, ये हमारा यकीन है। आज ये नहीं है क्या बनेगा, क्या उधर होगा, आज सिर्फ ये है कि 25 तारीख को माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग सब ने निकलना है। सुबह सवेरे निकल के पोलिंग बूथ पे पहुंचना है और पोलिंग बूथ पे हाथ के निशान पे दबाना है उस मशीन को, और अल्लाह की मेहरबानी से इस गठबंधन को कामयाब करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हरदिल अजीज़ राहुल गांधी को सुने, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका शुक्रिया। सलाम अलैकुम।